कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस पैकेज की बात की है वो दरअसल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की एक पुरजोर कोशिश है। और आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 20 लाख करोड़ रुपए में जो पुराने भी जो ऐलान है वो भी शामिल है। आपको याद होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च के आखिरी सप्ताह में जो 2.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की थी, फिर रिजर्व बैंक की ओर से 4.25 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज आया था, फिर किस्तों में कुछ और जो लिक्विडिटी नकदी जो है वो बाज़ार में डाली गई थी, तो उन सबको अगर मिला ले तो ये पैकेज प्रभावी तौर पर 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का बनता है, जो कि अर्थव्यवस्था के या जीडीपी के हिसाब से अगर आप देखें तो 5 से 6% के बराबर है। ये रकम छोटी नहीं होती है और इससे निश्चित तौर पर जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। जो एक ख़ास बात यहाँ पर हुआ कि सुधार को लेकर के, चाहे वो श्रम की बात हो, चाहे ज़मीन की बात हो, या फिर आपके निवेश की बात हो, इन सभी में सुधार पर काफ़ी ज़्यादा जोर है। और ये आज के दिन की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप एक जिसे कहते हैं कि संकट जो है वो हमेशा आपको एक मौका मुहैया कराता है कि आप किस तरीके से सुधार की नई प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये सरकार ने इस स्थिति को, इस माहौल को सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाने का जो है वो संकेत दिया है। तीसरी बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप हर तबके का, चाहे वो किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, कुटीर उद्योग की बात हो, गृह उद्योग की बात हो, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हो, मिडिल क्लास की बात हो, लार्ज इंडस्ट्रीज की बात हो, ये साफ इशारा है कि इन सभी के लिए कुछ ना कुछ आना है। और यहाँ तक कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनकी भी सुध ली गई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पैकेज है और इससे जो आत्मनिर्भरता के मामले में एक बड़ी कोशिश की गई है और इसके नतीजे जो हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। ABP News आपको रखे आगे।